ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जिसे एक पेशेंट से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है द गुड डॉक्टर, जो 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक यंग डॉक्टर मार्टिन को देखते हैं, जिसने हाल ही में डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी और उसका इस हॉस्पिटल में पहला साल था। मार्टिन के साथ एक टेरेसा नाम की नर्स भी काम करती थी जो मार्टिन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, इसलिए मार्टिन उसे बहुत ही चिढ़ता रहता था। फिर थोड़ी देर बाद उस हॉस्पिटल में एक खूबसूरत लड़की एडमिट होती है जिसका नाम डाइन होता है। उसे किडनी में इन्फेक्शन की बीमारी होती है। मार्टिन उसे कहता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और इसके बाद वो घर चला जाता है। फिर अगले दिन जब मार्टिन डाइन के पास जाता है तब वो देखता है कि उसके पास एक डायरी है जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखती रहती है। इसके बाद मार्टिन उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करता है और धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लगता है। फिर एक दिन डायन जब अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रही होती है तब वो उसे झगड़ा करने लगती है। फिर डायन मार्टिन से कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इस पर मार्टिन उसे कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसे आज़ाद कर दो। अब यहाँ दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ टेरेसा आती है और मार्टिन पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है, जिसे मार्टिन को बहुत ही बुरा लगता है, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। अब शाम को मार्टिन डायन से कहता है कि तुम अब ठीक हो गई हो और अगले दिन तुम घर जा सकती हो। तब डायन उसे कहती है कि मैं टेरेसा से बात करूंगी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और वो तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। फिर अगली सुबह जब मार्टिन हॉस्पिटल में आता है तब वो देखता है कि डायन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन तभी वहाँ डायन के फादर आते हैं और वो मार्टिन को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने डायन का अच्छे से ख्याल रखा। इसके बाद वो मार्टिन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रात को मार्टिन अच्छे से तैयार होकर डायन के घर जाता है, जहाँ डायन की पूरी फैमिली मार्टिन का वेलकम करती है। अब यहाँ मार्टिन को पता चलता है कि डायन घर पे नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने गई है। जब सब डिनर कर रहे थे तब डायन की बहन वेलरी मार्टिन पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है। फिर कुछ देर बाद वेलरी की अपने भाई से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से उसकी ड्रेस पर सूप गिर जाता है, जिसे चेंज करने वो अपने रूम में चली जाती है। अब डिनर के बाद जब मार्टिन यहाँ का बाथरूम यूज करने जाता है तब गलती से वो वेलरी के बेडरूम में चला जाता है जिसमें वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। मार्टिन उसे सॉरी कहता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। और फिर यहाँ से निकलते समय मार्टिन डायन के रूम में घुस जाता है, जहाँ से वो डायन की एक फोटो चुरा कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मार्टिन जब हॉस्पिटल में लंच कर रहा था तब उसे वेलरी का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें उस दिन एक प्रेजेंट देना भूल गई थी, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ सकती हूँ या फिर तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद मार्टिन रात को उसके घर जाता है और उसके बाथरूम को यूज करता है, लेकिन इस बार वो डायन की मेडिसिन को चेंज कर देता है ताकि वो ठीक ना हो और वापस से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अब मार्टिन अपना प्रेजेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, डायन फिर से बीमार हो जाती है। इसके कारण उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और मार्टिन फिर से उसका इलाज करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो वापस से जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन रात को मार्टिन डायन की मेडिसिन चेंज कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिता सके। अब मार्टिन उसकी मेडिसिन को चेंज करने के अलावा उसकी सारी रिपोर्ट को भी बदल देता है, जिस वजह से सारे हेड डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतने ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी डायन ठीक क्यों नहीं हो रही है। फिर एक दिन जब डायन का बॉयफ्रेंड उसे मिलने हॉस्पिटल में आता है तब मार्टिन उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उसे कहता है कि अभी डायन सो रही है इसलिए वो उसे नहीं मिल सकता। अब ये सुनकर रिच डायन के लिए लाया हुआ बलून मार्टिन को दे देता है और उसे कहता है कि वो ये बलून डायन तक पहुंचा दे, लेकिन रिच के जाने के बाद मार्टिन वो बलून फोड़कर एक डस्टबिन में डाल देता है। फिर डायन जब ठीक नहीं हो रही थी तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जो मार्टिन को हर 2 घंटों में डायन को चेक करने को कहता है, लेकिन जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो डायन का ऑपरेशन किया जाता है। फिर ऑपरेशन के बाद डायन मार्टिन से कहती है कि तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तब मार्टिन उसे कहता है कि उसे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। अब ये जानकर डायन बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अब उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन तभी डायन बेहोश हो जाती है और मार्टिन उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और डायन को किस करता है। फिर कुछ घंटों बाद मार्टिन जब रेस्ट कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि डायन की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है
कि डायन की सांसें चल नहीं रही है, इसलिए डॉक्टर उसे CPR दे रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और यहाँ मार्टिन को देखते हुए डायन की मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक वर्कर जिमी को डायन की डायरी मिलती है। वो मार्टिन को बताता है कि तुम्हारे और डायन के बीच जो हुआ वो सब इसमें लिखा हुआ है। यह जिमी मार्टिन को ब्लैकमेल करता है और अपने लिए ड्रग्स की डिमांड करता है। अब मार्टिन को मजबूरी में जिमी के लिए ड्रग्स लाना पड़ता है। जब मार्टिन जिमी के लिए ड्रग्स लाता है तो जिमी उसको वो डायरी लौटाने से मना कर देता है और कई दिनों तक उसे ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहता है। अब मार्टिन काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वो जिमी से छुटकारा पाने के लिए घर जाकर जहरीला ड्रग्स बनाता है और हॉस्पिटल आकर वो जिमी को दे देता है। जिमी वो ड्रग्स हॉस्पिटल में ही ले लेता है और थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। मार्टिन उसे एक कमरे में रोक के रखता है और उसकी जेब से लॉकर की चाबी निकाल लेता है। फिर जिमी की मौत हो जाने के बाद मार्टिन लॉकर में से वो डायरी निकाल लेता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन एक डिटेक्टिव मार्टिन के घर आता है जो जिमी की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो यहाँ मार्टिन से कुछ सवाल करता है पर मार्टिन उसे कहता है कि वो जिमी के बारे में कुछ नहीं जानता। मार्टिन जब डिटेक्टिव से बात कर रहा था तब उसकी नजर डायन की डायरी पर पड़ती है जो वहाँ नीचे ही पड़ी हुई होती है। मार्टिन तुरंत उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर वो डायरी के सारे पन्नों को फाड़ने लगता है और उसके बाद वो सारे पन्नों को फ्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर पाइप में फंस जाते हैं जिस वजह से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिसे देखकर मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ पड़े पेपर को डस्टबिन में डाल देता है। अब सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और उस डिटेक्टिव से कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है, इसलिए वो आज उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। ये सुनकर वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मार्टिन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।